छत्तीसगढ़, एक ऐसा राज्य जो अपने अनएक्सप्लोर्ड नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना है। और इसी राज्य में है गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल विद सौरभ। और इस वीडियो में हम जिस जगह की बात करेंगे वो है गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट। गरियाबंद छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख जिला है। ये रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सुंदर जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पे घूमने की बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे सुंदर वाटरफॉल हैं, बहुत सारी मंदिरें हैं। तो इस वीडियो में मैं 8 ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में बात करूँगा जिन्हें गरियाबंद में आप घूम सकते हैं। लेकिन इन सारी जगहों को आप एक दिन में तो कवर कर नहीं सकते, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसे आपको डे 1 में कवर करना है और किसे डे 2 में, जिससे आप यदि यहाँ घूमने का प्लान बनाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, एक बात और, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हो सकता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा ना बना हो, इसमें कुछ कमियाँ हों, तो क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, जिससे मैं आने वाले वीडियोस में उसे ठीक कर सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करूंगा मैं राजिम के साथ। राजिम छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध जगह है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। तो इसी संगम के तट पर बसा है राजीव लोचन मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर 7वीं शताब्दी का है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु जी के काले पत्थर की बहुत सुंदर प्रतिमा देखने को मिलती है। राजिम में ही संगम के बीचों बीच है कुलेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में श्री राम जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी यहाँ पर वनवास के दौरान आए थे और उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। और इसी बात का ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार ने यहाँ पर भगवान राम की भव्य प्रतिमा का भी निर्माण करवाया है और राजिम को विशेष रूप से डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर लगभग 1 से 2 घंटे समय बिताने के बाद हम जाएंगे अपने दूसरी जगह और वो है देवधारा वाटरफॉल। यह वाटरफॉल गरियाबंद से लगभग 85 किलोमीटर दूर पर है और यहाँ पर पहुँचने के लिए गूगल मैप की हेल्प बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपको कहीं और ही पहुँचा देगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। आपको करना क्या है कि आपको मैनपुर ब्लॉक तक आना है और उसके बाद आसपास के लोगों से रास्ता पूछ के आप इस वाटरफॉल तक पहुँच सकते हैं। इस वाटरफॉल तक आप अपनी कार से डायरेक्ट आ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और इस समय जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो है देवधारा वाटरफॉल। इसे यहाँ के आसपास के लोग इसे देवधारा वाटरफॉल भी कहते हैं। चारों ओर से पहाड़ों से गिरा ये वाटरफॉल आपके रास्ते की सारी थकान मिटा देगा और बहुत कम लोग इस वाटरफॉल के बारे में जानते हैं। देखने में ये वाटरफॉल एकदम चित्रकूट वाटरफॉल जैसा ही है और इसका पानी हरे रंग का है। यहाँ पर बैठने के लिए और आराम करने के लिए हट्स बने हुए हैं। आप यहां आसानी से 1-2 घंटे समय बिता सकते हैं। यहां पर मैंने बहुत सुंदर ड्रोन शॉट लिया है, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। देवधारा वाटरफॉल के बाद अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे रहस्यमय जगह और वो है भूतेश्वर महादेव मंदिर। भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर गरियाबंद जिले का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि शिवलिंग का आकार हर साल बढ़ता है। यह शिवलिंग अभी करीब 55 फीट ऊंचा है और हर साल इस शिवलिंग का मेजरमेंट कराया जाता है और हर साल लगभग 6 से 7 इंच बड़ा हुआ मिलता है। मंदिर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और यहाँ आकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सावन के महीने में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लोग दूर दूर से भगवान शिव को यहाँ जल चढ़ाने आते हैं।
तो ये थी अब तक की वो जगह जिन्हें आप डे वन में कवर करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जगह आप डे टू में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, एक बार मैं फिर से वही बात कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। डे टू में हम सबसे पहले जाएंगे चिंगरा पगार वाटरफॉल। यह वाटरफॉल गरियाबंद से 15 किलोमीटर और रायपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। कोशिश करें कि सुबह 9 से 10 बजे के बीच यहां पर पहुंच जाएं, नहीं तो बाद में यहां पे भीड़ बढ़ जाती है। वैसे इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो वीडियो भी ज़रूर देखें। यह झरना करीब 110 फीट ऊँचा है। यहाँ पर खड़ी चट्टान से पानी नीचे गिरता है। पानी एक कुंड में गिरता है जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर आप नहाने का मज़ा भी ले सकते हैं। चिंगरा पगार वाटरफॉल के बाद अब हम जाएंगे जतमई माता मंदिर। यहाँ पर मंदिर के साथ एक वाटरफॉल भी है। ये चिंगरा पगार वाटरफॉल से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। जतमई माता मंदिर गरियाबंद का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर घने जंगलों के अंदर स्थित है। मंदिर के बाजू में ही झरना बहता है जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ पर मंदिर के पीछे ही हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा है। हनुमान जी अपने कंधे पर श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बैठाए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ एक छोटी सी गुफा है जहाँ पर जतमई माता मंदिर की मूर्ति देखने को मिलती है। और अब हम जाएंगे घटारानी मंदिर। यह जतमई माता मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और ये लगभग जतमई माता मंदिर जैसा ही है। यहाँ भी आप एक वाटरफॉल देख सकते हैं। यदि आप जतमई माता मंदिर आए तो यहाँ ज़रूर आएँ। ये स्थान जतमई माता मंदिर से थोड़ा कम डेवलप है, लेकिन इसका काफ़ी डेवलपमेंट किया जा रहा है। और अब हम अपने वीडियो के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये है तौरंगा जलाशय। यह जलाशय गरियाबंद जिले में जतमई माता मंदिर के पास स्थित है। यह जलाशय घने जंगलों के बीच में है। आप जब भी जतमई माता मंदिर घूमने के लिए आएं, तो इस जलाशय में घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पर बरसात के दिनों में यह जगह बहुत सुंदर हो जाती है। आप बहुत सुंदर फोटोज़ क्लिक करा सकते हैं यहाँ पर। तो ये थी गरियाबंद जिले की सारी जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो में।